हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फोर सॉटिंग मटीरियल्स इन टू ग्रुप्स मीन्स जो आपके पास दिए गए जो मटीरियल है उनको क्या करना है आपने जो सिमिलर मटीरियल है उनको सेपरेट करना है ऑर्डर करना है एक ग्रुप में अरेंज करना है उनको सेम ग्रुप में जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है या जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है सो लेट स्टार्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें या वस्तुएँ वी सॉ दैट अबर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटीज इन देम हमने देखा अभी तक जो हमें चैप्टर पढ़े भी हैं दैट अब फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी बहुत सारी वेराइटी होती है अलग अलग तरह का होता है हमारा फूड भी और क्लोथ भी नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स देयर इज सच ए बास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर वी सी अराउंड चेयर ब्लॉक काट साइकिल कुकिंग यूटेंसिल्स बुक्स क्लोथ्स टॉयज वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल दीज है ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स कलर्स एंड यूजेज नॉट ओनली फूड और क्लोथ्स इनकी ही वेराइटी नहीं है बल्कि वी हैव अ वास्ट वेरायटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे और ऑब्जेक्ट भी है हमारे आस पास देखें देखें देखे, उनकी भी बहुत सारी वेरायटी हैं चेयर हो गया आपके पास देखे ब्लॉक कार्ट साइकिल कुकिंग यूटेंसिल हो गया बुक्स हो गया आपकी टॉयस स्टोन्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट है एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स जितने भी ये ऑब्जेक्ट है जितनी भी चीज़ें सब में क्या है जो शेप है आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी इनकी कलर आपको डिफरेंट मिलेंगे यूजेस आपको इनके डिफरेंट मिलेंगे लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स देट आर राउंड इन शेप अबर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मारबल अगर आप क्या करेंगे अपने आसपास देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को और उनमें से क्या आइडेंटिफाई करना है आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट विद राउंड शेप जिनकी है सो इन द लिस्ट यू कैन हैव रबर बॉल फुटबॉल ये चीज़ें हो सकती है और ग्लास का मारबल इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड नियरली राउंड मतलब जो लगभग राउंड ही हैं अबर लिस्ट कूड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एपल्स ऑरेंजेस एंड एन अर्दन पिक्चर लेकिन अगर आप क्या करेंगे देखिए यू बिल लिस्ट दोज ऑब्जेक्ट्स पिक्चर ऑलमोस्ट जो लगभग क्या है राउंड है तो आपके पास क्या आएगा देखिए एप्पल आएगा आपके पास आपके पास ऑरेंजेस आएंगे अर्दन पिक्चर मिट्टी का घड़ा सपोज सपोज वट यू विल डू नाउ वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स देट आर एडिबल्स मान लीजिए क्या है हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे अब जो क्या है खाने लायक हैं या जिनको हम खाते हैं देन वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स देट बी हैव लिस्टेड इन टेबल दिस दिस एंड दिस इन चैप्टर वन जो था हमारे पास तो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी हमारी अगर हम खाने की चीज़ों की बात करें we might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group हम क्या find out करेंगे कि वो इस group में भी है जो round shape कुछ objects हैं Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. अब देखिए क्या करना हमने अब हमने उन objects का group बनाना है दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक के जो बने हैं बकेट्स लंच बॉक्सिस टॉयज वाटर कंटेनर्स पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट ये इस ग्रुप में आएंगे विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द अब एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और मटीरियल दे आर मेड फ्रॉम तो ये जो एग्ज़ाम्पल अभी तक हमने पढ़े हैं इसमें हमने क्या देखा दो बेसिस पे हमने ग्रुप बनाए हैं एक शेप के बेस पे दूसरा कि कौन से मटीरियल के जो वो है बने हैं वो ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट इज ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंडस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल दीज मटीरियल में वी ग्लास मेटल प्लास्टिक बुड कॉटन पेपर मड और सोयल कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स सो जितने भी हमारे आस पास जो ऑब्जेक्ट है ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल के बने हैं वो फॉर एग्जाम्पल देखें दीज आर दीज मटीरियल में वी वो मटीरियल आपका क्या हो सकता है वो आपका ग्लास हो सकता है दैट इज कांच हो सकता है आपका वो मेटल हो सकता है आपका प्लास्टिक वुड कॉटन पेपर मड और ये सारे हो सकते हैं लेट सी इन द एक्टिविटी वन नाउ लेट एस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड बी कुल ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्राम द क्लास रूम्स और फ्राम आउटसाइड द स्कूल आइए ज़रा ऑब्जेक्ट इकट्ठे करते हैं देखें विच आर अस सो वी कैन गेट देम फ्रॉम द एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्राम होम होम में भी मिलेंगे आपको वो आपको वो ऑब्जेक्ट क्या है क्लास रूम में भी मिल सकते हैं यू कैन फाइंड देम आउटसाइड द स्कूल एज वेल वॉट विल वी हैव इन अवर कलेक्शंस देखें चौक पेंसिल नोटबुक रबर डस्टर अ हैमर नेल सोप स्पोक ए बिल बैट मैच बॉक्स सॉर्ट पोटैटो तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे घर में भी और कुछ इनमें से मिलेंगे आपको स्कूल में भी और कुछ कहाँ मिलेंगे आपको आउटसाइड द स्कूल और द हाउस वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ वट कैन नाट ब्रिंग टू द क्लास रूम हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं या सोच सकते हैं जिन्हें हम क्लास में नहीं ला सकते देखिए कैसे एग्जाम्पल बॉल देखिए आप दीवार ट्रीज डोर्स ट्रैक्टर रोड दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स

देट आर नॉट मेड ऑफ़ दिज मटीरियल तो देखे दो ग्रुप बन गए एक में क्या है आपके पास इन वन यू हैव द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ पेपर और बुड एंड अदर्स विच आर नॉट मेड फ्रॉम पेपर और बुड सिमिलरली बी कुड सेपरेट द थिंग्स देट आर यूज फॉर प्रिपेरिंग फूड सिमिलरली यू कैन डू कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं या जो बर्तन हैं आपके उनसे आप खाना बनाते हैं कौन से ऐसे जिनसे नहीं बनाते हैं लेटेस्ट वी आर लिटल मोर सिस्टमेटिक और देखते हैं थोड़ा लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल सो देखें आपके पास जो ऑब्जेक्ट की लिस्ट आई है फोर पॉइंट वन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना आपने कि कौन सा मटीरियल किससे बना है इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ़ समीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड डिफिकल्ट होगा आपको ये फाइंड आउट करना कि आउट ऑफ विच सम ऑफ़ समीज मटीरियल आर मेड इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटीरियल सो यू कैन डिस्कस अबाउट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स और द फ्रेंड्स कि भाई ये जो मटीरियल है कौन सी चीज का बना है ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ देखे नीचे दिया है एक्टिविटी टू टेबल फोर पॉइंट टू लिस्ट सम कॉमन मटीरियल्स यू कैन ऑल्सो एड मोर मटीरियल इन कॉलम वन देट आर नॉन टू यू नाओ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट्स यू नो देट आर मेड मेनली ऑफ़ दीज मटीरियल्स एंड लिस्ट दैम इन कॉलम टू ये भी आप कर सकते हैं देखें एवरी डे जो ऑब्जेक्ट्स है आपके जिनके बारे में आप जानते हैं और जो यूज़ किए जाते हैं और जो इन मटीरियल के बने हुए हैं उनका भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं ये देखिए दिया है जैसे वुड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल कौन से हैं ये सारे हैं आपके पास पेपर है देखिए इससे ये चीजें बनती हैं यू कैन राइट हेयर कि लेदर से क्या बनता है प्लास्टिक से और कॉटन से क्या बनता है वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स इन टेबलों से हमें क्या पता चला देखें फर्स्ट वी ग्रुप्ट ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेस अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ये फाइंड आउट किया हमने एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल हमने ये भी पता किया कि क्या है कि ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से भी बने हो सकते हैं एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल बहुत सारे मटीरियल से भी बना हो सकता है एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साथ ही हमें ये भी पता चला कि जो एक ही मटीरियल है उससे क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन भी सकते हैं या बनते हैं वट डिसाइड विच मटीरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट्स क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा मटीरियल जो है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाए इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स इसके लिए हमें क्या मटीरियल्स के बारे में जानना पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स देखें हैव यू एवर बॉन्डेड वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लोथ रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद द पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर थ्री एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड अब आपने कभी सोचा है कि जो एक बर्तन होता है जिसमें हम लिक्विड वगैरह रखते हैं वाटर वगैरह या कोई और चीज़ वो क्या है आपके पास पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं बना होता है वो कपड़े का यू कैन ऑल्सो रिकॉल द एक्सपेरिमेंट्स

कि भाई किसी चीज़ को एक करने के लिए टम्बलर बनाने के लिए एक बर्तन बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नो वट बी नीड फॉर ए टम्बलर इज़ ग्लास प्लास्टिक मेटल और अदर सच मटीरियल्स दैट विल होल्ड वाटर तो देखिए हमें उस टम्बलर को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी या तो कांच की प्लास्टिक हो सकता है वो मेटल हो सकता है या कोई ऐसा मटीरियल जो क्या है वाटर को होल्ड कर सके सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल्स ये भी सही नहीं रहेगा कि हम क्या करें कि पेपर की बनी हुई कोई मटीरियल है उससे क्या करें हम जो खाने के जो वेसल्स हैं जो खाने पकाने के जो बर्तन उन्हें हम बढ़ाएं इज इट पॉसिबल कि हम पेपर से बने हुए बर्तनों में खाना पकाएं नेवर वी सी धैन देट वी चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि हम क्या करते हैं वी चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करता है ये एंड द परपज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज साथ ही हम ये भी पता करते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट को बनाने का जो पर्पज़ है वो क्या है उस पर्पज़ को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं

each other wood looks very different from iron iron appears different from copper or aluminum at the same time there may be some similarities between iron copper and aluminum that are not there in wood appearance taking wood key appearance it is different from iron also आयरन क्या है आपके पास कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग होगी इसकी अपेयरेंस बट एट द सेम टाइम क्या होगा देखें देयर में बी सम कॉमन प्रॉपर्टीज या सिमिलरिटीज़ हो सकती है किसमें आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सेम प्रॉपर्टी हो सकती है बट दोज प्रॉपर्टीज या दीज प्रॉपर्टीज़ आर नॉट इन बुड लेकिन बुड में क्या है वो प्रॉपर्टी नहीं होंगी एक्टिविटी थ्री कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स पेपर कार्डबोर्ड बुड कॉपर बायर अलूमिनियम शीट चौक डू एनी ऑफ दीज ए शाइनी क्या ये शाइनी है इनमें से कोई आपके पास देखें सेपरेट द शाइनी मटीरियल इनटू ए ग्रुप अगर हैं तो क्या करना है आपने जो शाइनी मटीरियल चमकीला मटीरियल उसको एक ग्रुप में ऐड करें नाव ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटीरियल इंटू टू पीसीज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस फिगर दिस अब क्या करना देखें एज टीचर विल कट मटीरियल ईच मटीरियल इंटू टू पीसिस दो पीस बनाएंगे सो so, जो फ्रेशली कट जो होगा लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस वट डू यू नोटिस डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटीरियल अपीयर शाइनी क्या वो शाइनी था इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल्स उन्हें भी क्या है उस ग्रुप में ऐड कर दें डू यू नोटिस सच ए शाइन और लश्चर इन द अदर मटीरियल्स कट दम एनी वे एज यू कैन कट करना है आपने उनको भी रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटीरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लश्चर सो आप क्या है उनका ग्रुप बना सकते हैं कि कौन सा जो मटेरियल है आपके पास वो लश्चर है जो चमकता है और कौन सा नहीं है इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लश्चर कटिंग के अलावा व्हाट यू कैन डू यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल। आप रब कर सकते उसको विद सेंड पेपर और आपको पता लग जाएगा कि वेदर इट इज लश्चरस कि उसमें चमक है या नहीं है मटीरियल देट है लश्चर आर यूजली मेटल्स आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स सो देखें जिन मटीरियल में क्या होगा आपके पास लश्चर होगी चमक दे आर मेटल्स एग्जाम्पल ये है सम मटीरियल्स ऑफन लूज देअर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दम कुछ मटीरियल में क्या होता है देखिए द लूज देर शाइन उनकी जो चमक है धीरे धीरे खत्म होती है डल हो जाते हैं वो अपियरेंस में ऐसा क्यों है दिस इज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऐसा क्या हुआ कि जो नमी है जो एयर है और जो नमी की वजह से वह इस तरह से खराब हो गए हैं बी देयर फोर नोटिस द लश्चर ओनली ऑन देअर फ्रेशली कट सरफेस इसलिए क्या है जो फ्रेशली जो कट सरफेस होगा उसी में हमारे को चमक नजर आएगी जो दूसरे सरफेस है वो क्या है देखिए वो इस वजह से भी खराब हो सकता है बाई एयर एंड मॉइस्चर से वेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ़ दे है लश्चर ये आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते है? जब आप एक आयरन स्मिथ के पास जाएंगे जो लोहे का काम करता है वहां क्या देखेंगे आप कि जो फ्रेशली कट जो सरफेस ऑफ मेटल होंगे वो शाइनी होंगे वेर एज जो वहां पे पड़े होंगे काफी टाइम से दे विल बी डल सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फॉर द डे रेस्ट बी विल कंटिन्यू सो यू हैव टू रीड इट थैंक यू